दोस्तों, चूज़े वगैरह जो है ना अभी खुले छोड़े हुए हैं। इस टाइम पे हम लोग चूज़ों को खुला छुला करते होते हैं, मादियाँ सब बंद कर देते हैं, और ये मिट्टी के अंदर जो है ना खुले फिर रहे हैं हल्का हल्का। इधर जो है ना हमने बाजरा फेंका हुआ है, तो ये बाजरा वगैरह चुग रहे हैं। और अभी इनकी जो दूसरी हम लोग फीड सी बना के देते हैं, फीड तो हमने बताया हुआ था आपको कि हम लोगों ने परहेज़ कर रहे हैं इस दफ़ा फीड से, लेकिन वो हम चोकर और मिक्स दाना और बीच में उबले हुए चावल वो मिक्स करते हैं, तो वो जो है ना अभी नहीं बनाई। थोड़ी देर में वो इनको फीड करवाएंगे, इस वजह से ये चूज़े जो है ना आगे पीछे भाग रहे हैं कि हमें वो प्रॉपर जो खुराक मिलती होती है वो मिले, उसके इंतज़ार में ये घूम फिर रहे हैं। और ये वो चूज़े हैं जो बड़े हैं, तकरीबन दो दो महीने के, ये वो घूम रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक इरफान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। तो आपके साथ हम इसी तरह शौक के रिलेटेड अपडेट जो है ना शेयर करते रहें और आपको अपना शौक दिखाते रहें और आपको जो है ना शौक से लुत्फ़अंदोज़ करते रहें। तो आपको जो है ना सबसे पहले थोड़ा सा व्यू करवाते हैं तमाम परिंदों का। बड़े जितने भी परिंदे हैं उनको दाना वगैरह हो चुका है, सुबह सुबह इनको तकरीबन 7-8 बजे जो है ना खुराक करवा दी जाती है, और उसके बाद फिर इनको नेक्स्ट 24 घंटे के लिए सिर्फ पानी होता है इनके सामने। जो ब्रीडर जोड़े हैं उनको थोड़ी बहुत खुराक करवाई जाती है, उसके अलावा कोई नहीं। स्टार्ट लेते हैं हमारे फेवरेट जोड़े से जो इंतहाई असील और ख़ूबसूरत है। ये मादी जो है ना आपको दिखाई थी, अंडे दे गई थी, इसके अंडों पे एक और मादी हमने बिठाई थी, और अभी जो है ना इसको दोबारा इसी नर के साथ छोड़ा हुआ है और इसकी दोबारा एक झोल और लेंगे। तो मादी अभी तकरीबन दोबारा से झोल बना गई है और उम्मीद तो है ये 1.5 हफ्ते के अंदर दोबारा अंडे स्टार्ट कर देगी, और नर भी बिल्कुल परफेक्ट है और इसका फर्टिलिटी रेट भी बहुत अच्छा है। तकरीबन इसके अंडे फर्टाइल आ रहे हैं। शुरू में हमने आपको दिखाया था, हमारे पास जब बीमारी थी पहले महीने में हमने जोड़े लगाए थे, उस वक्त थोड़ा सा फर्टिलिटी का इशू था, लेकिन अभी ये सेट हो गए हैं, तो अभी फर्टिलिटी 100% आ रही है हमारे पास तकरीबन सभी परिंदों की। तो शौक करें परिंदे का और माशाल्लाह लाजमी कहें, क्योंकि माशाल्लाह जो है ना वो परिंदों को नज़र से बचाती है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी भूसी मादियाँ दोनों ही कड़ुक हो चुकी हैं, ठीक है, और दोनों ही कड़ुक बैठ गई हैं। अभी इनको ये है कि 15-20 दिन या 25 दिन इनको नहीं छेड़ा जाएगा ताकि ये बैठी रहें और थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएं। कड़ुक पे मादी बैठती है तो वो फ्रेश हो जाती है, थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो उसकी चर्बी वगैरह सारी हट जाती है। अगर मादी जो है ना इसी तरह उसको दोबारा दोबारा जोड़ा लगाई रखो और उसको कड़ुक पे ना बैठाओ या ना बैठने दो, तो फिर ऐसा होता है कि मादियाँ जो है ना वो चर्बी कर जाती हैं, जिसकी वजह से मादियाँ अंडों से बंद हो जाती हैं और फिर बड़ा लंबा प्रोसेस है उनको दोबारा अंडों पे लाने के लिए। तो इस नर को भी इनके साथ से हटाएंगे ताकि ये थोड़े दिन बैठ जाएं। बाकी ये नर माशाल्लाह से बड़ा फिट है और इन मादियों के जो अंडे हैं वो दूसरी मादियों के नीचे रखे हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे जब इनके बच्चे निकलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद मैंने सोचा कि आपको आज लाइन वाइज सफ़ेद का दोबारा से शौक करवाते हैं, जो हमारे पास वाइट हैं। तो ये वाइट है, ये विनर बर्ड है, ठीक है, इसका शौक करें। आप पहले भी इसको वीडियोस में देख चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बर्ड है और बड़ा लंबा इसका पल्ला है, बड़ी खूबसूरत साफ आँख है, बड़ी खूबसूरत चोंच और बड़ा अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। और अभी थोड़ा सा कमज़ोर है तो गर्मी में आपको पता है थोड़ा सा परिंदे जो है ना अपना वेट लूज़ करते हैं। तो बाकी इसको बाहर छोड़ के आपको दिखाते हैं ताकि ये थोड़ी मस्ती वगैरह करें। दोस्तों माशाल्लाह से जो है ना मुर्गा बाहर आ चुका है, ठीक है, और मादियों को देख के थोड़ा सा मस्ती कर रहा है। परिंदे का पल्ले का शौक करें, ठीक है, बड़ा लंबा पल्ला है इसका और
इसका जो है ना चाल ढाल बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से, बाकी हर लिहाज से पूरा है बर्ड, असालत वाइज, खूबसूरती वाइज, ठीक है। और बाकी जो असील के पॉइंट होने चाहिए वो तमाम इसमें जो है ना वाज़े हैं और मुकम्मल हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारी जो है ना 14 साल वाला ब्रीडर और मादी, इसका शौक करें, मादी माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत और पतली नली वाली है और बड़ा खूबसूरत इसका चेहरा है। बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब थी शायद, इसकी वजह से इसका ताज बैठ गया है, लेकिन अभी फिट है। तो इसका शौक करें और इसकी चाल ढाल देखें परिंदे की, ये मर्जी का मालिक है। बीच में जो है ना बैठ भी जाता है और फिर थोड़ा बहुत चलता भी है, जिसकी वजह से ये अभी तक बैलेंस्ड है। कुछ बर्ड होते हैं बिल्कुल ही वो दिल छोड़ जाते हैं और वो एक ही जगह पे बैठने की वजह से फिर उनके पट्टे शट्टे जाम हो जाते हैं, ठीक है, और वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये अंदर अंदर से दलेर है, ठीक है, जिस तरह वो चाचा अलम शेरी कहता है ना कि मैं अंदरू दलेर हूँ, तो ये परिंदा अंदर से दलेर है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नाबीना होने के बावजूद अभी तक माशाल्लाह से फिट है। बात दोस्तों ये चीना मादी परा, ये भी अंदर हमने छोड़ा हुआ था एक मादी के साथ, ठीक है, पीली मादी के साथ। तो इस मादी की बड़ी गंदी आदत थी कि वो अंडे खाती थी, उसको हमने इसके साथ जोड़ा लगा के तो अंधेरे में बिल्कुल रखा है, आगे कटू वगैरह लगा के। तो अभी वो अल्लाह किया है कि वो उसने अंडे नहीं खाए, जिसकी वजह से हम वो उसके अंडे लेने में कामयाब हो गए हैं। तो अभी वो इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे इनके। तो बड़ा ख़ूबसूरत इसका रंग है चिड़ीरंगा, ठीक है, काफ़ी अरसे से शायद ये वीडियोस में मिसिंग हो, आप ना देख सके हो, ठीक है, आज आपको इसका भी शौक करवा रहे हैं। तो शौक करें परिंदे का, बड़ा ख़ूबसूरत और शौक वाला परिंदा है। इसके बाद ये एक पट्ठा खड़ा हुआ है, ये जो है ना नया आया था नर मादी, इधर ही के था इसी सेटअप का, लेकिन ये निकला अटक में है, अटक से आया है। सामने स्कूटरी खड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये सफ़ेद, इसका भी शौक करवाते हैं। और एक हमारी जो सफ़ेद आंखों में तिलों वाली मादी है, वो एक झोल दे गई है, अभी दूसरी झोल दे रही है अंडों की। तो दोस्तों ये इस जोड़े का शौक करें, ये कुकड़ परिजाद। अब कुछ दोस्तों परिंदे होते हैं वो धूप में शेड मार जाते हैं, ठीक है, ये वो परिंदा है कि जिसको आप धूप में भी रखें तो ये हल्का सा भी शेड नहीं मारता, ठीक है। अभी ये देखें बिल्कुल पेपर वाइट है, कोई इसके ऊपर पीला शेड वगैरह नहीं है, ठीक है। और मादी भी इसी क्लास की है, मादी के बच्चे भी इसी तरह के होते हैं, यानी कि वो 100% पेपर वाइट होते हैं, कोई शेड वगैरह नहीं मारते। तो उम्मीद है कि इसके साथ इसके जो बच्चे निकलेंगे वो ज़्यादातर सफ़ेद नोक नली में होंगे और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट होगा उनका। और ये मादी बड़ी नायाब किस्म की मादी है, चूँकि इसकी नोक डैमेज है, इस वजह से कुछ ख़ास कई शौकीनों को तो समझ लगती है, जो चीज़ को समझते हैं, कुछ नए शौकीन भाई होते हैं उनको नहीं समझ में आती, ठीक है। बाकी ये मुर्गा काना है एक आँख से और बहुत असील मुर्गा है, नोक इसकी मुर्गे की भी आगे से हल्की डैमेज हुई है ऊपर से। तो दोस्तों उसके बाद ये ट्रायो सेट है, ये मुर्गियाँ एक मरतबा जो है ना अंडे कंप्लीट कर गई हैं और इनके वो एक मादी के जो है तीन चार बच्चे निकले हुए हैं और फिर से इनके अंडे रखे हैं। अभी ये एक मादी तो दोबारा से फिर तैयार है और दूसरी मादी भी थोड़े दिन में दोबारा से अंडे लेंग स्टार्ट कर देगी और उम्मीद है कि अभी क्रीज़ भी कर जाएंगी। तो शौक करें और माशाल्लाह से बड़े अच्छे बच्चे आ रहे हैं इनके, सफ़ेद नोक नली में आ रहे हैं ज़्यादातर जो आ रहे हैं। अभी जो तीन निकले हैं वो तो सफ़ेद नोक नली में हैं, उम्मीद है कि आगे भी जो निकलेंगे वो भी सफ़ेद नोक नली में ही होंगे, बीच में इक्का दुक्का बोस्की में भी होंगे, क्योंकि ये नर बोस्की नोक नली वाला है, ठीक है। तो इस ट्रायो सेट का शौक करें, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। के बाद दोस्तों ये सफ़ेद सावा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन रहा है और अच्छा तैयार हो रहा है, तकरीबन 10-11 महीने इसकी उम्र है और मज़ीद इंशाल्लाह ये अच्छा बनेगा जब अपने शबाब पे आएगा ना, 17-18 महीने इसकी एज होगी,
तो फिर ये बहुत अच्छा बनेगा। और ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, चेक चेक किए हुए हमने, तो इससे बहुत अच्छे की उम्मीद है नेक्स्ट सीज़न में। बाकी पट्टे का शौक करें, पट्टा माशाल्लाह से फुल मस्तेल है, और इसकी जो है ना खुली दुम है थोड़ी सी, और अभी जब मुकम्मल होगा ये 17-18 महीने का तो दुम की लंबी सरियां करेगा, ठीक है। ये वो सिकंदर वाले सावे पिंडी इस्लामाबाद में, आप नाम सुनते होंगे, ठीक है, ये सिकंदर वाले सावों में से है। इसकी एक बहन भी मैंने आपको दिखाई थी, फिर से दिखाता हूँ, वो पिंजरे में बंद है, सगी इसकी बहन है, तो उसने बच्चे सच्चे निकाले हुए हैं, वो सामने पिंजरे में बंद है, उसका भी आपको शौक करवाते हैं। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मादी है, और उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। वो हमने एक सिल्वर के बच्चे के साथ, काली पेटी वाला हमारे पास सिल्वर है, उसके साथ लगाई थी ये मादी, ठीक है। तो ये इसकी सगी बहन है, इसका शौक करें। और काली पेटी वाला सिल्वर भी आपको दिखाते हैं, सिल्वर का जो डायरेक्ट बच्चा है। उसके बाद दोस्तों चीने का शौक करें, इसको भी थोड़ी देर छोड़ा है, और ये भी जब क्रीज मुकम्मल करेगा फिर देखने लायक होगा। अभी भी ये देखने लायक है माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत मुर्गा है और बहुत असील बच्चे बनाता है, खुद भी बहुत असील है, ये बड़ा एग्रेसिव है, मारता है बंदे का। दोस्तों ये काली पेटी वाला सिल्वर है, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा जो है ना बचपन में को मसला हुआ था, जिसकी वजह से ये गर्दन इधर ही रखता है, बाकी हर लिहाज से परफेक्ट है और फिट है। दोस्तों यो वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आपको हमने जो हमारा फेवरेट मुर्गा है 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है, बड़ा खूबसूरत सा दिखाया था। ये जो पीले पीले बच्चे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये उसी के बच्चे हैं, और दो बच्चे जो है ना इसके, ये बल्कि तीन, एक ये और एक वो दूसरा वाला, ठीक है, वो जो सामने खड़ा हुआ मेरी उंगली के बिल्कुल सीध में, ये बच्चे जो है ना इसी मादी के साथ हैं, ये जो एक आँख से काणी है, ठीक है। तो ये मादी लग रहा है ऐसे इसकी चाल ढाल से कि ये दोबारा तैयार है, इसको इंशाल्लाह दोबारा से उसके साथ लगाएंगे, और इसके बच्चे ये जो खड़े हुए हैं ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे बनेंगे, सिर्फ अच्छे नहीं असील भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे उसी अपने बाप की तरह। तो शौक करें बच्चों का। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह शौक दिखाते रहेंगे और लुत्फ़अंदोज़ कराते रहेंगे। बच्चों की जो है ना रेस देखें, कोई चीज़ मेरे ख्याल से इनको मिल गई है, अब ये जो है ना भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, यह देखें इनका शुगल, ठीक है, जब बच्चों को कोई चीज़ हाथ लग जाती है तो बड़ा शुगल लगता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।